स्थिति नहीं चलेगा, इस पर हम लोग आगे बढ़े और बहनों के साथ जो पदाधिकारी किया है उस पर निश्चित रूप से एक मजबूत कार्रवाई के लिए हम आज अधिकार लिखित रूप में हम चिट्ठी लेके जा रहे हैं। इस जो घटना परसों घटी है उस पर आप इंक्वायरी करिए, 3 बजे डीजी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी तो हम ही लोग से मिलते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सेलेक्टेड लोगों से मिलने वाले लोग हैं बेचारे, आप देश के जी अच्छा अच्छा नेता है उस सेलेक्टेड से ही मिलता है, वो कॉमन लोगों से मिलता नहीं है क्योंकि कॉमन लोग दास है इन लोगों का, मिलने की जरूरत है भी नहीं। हर 5 साल के बाद हम गुलाम हो जाते हैं और गुलामी की आदत भी हिंदुस्तान को है, वो उसके पास विचारों की कोई फ्रीडम है नहीं, वो अपने तरीके से जीता नहीं है, तो दास है, इसीलिए उस पर कुछ कहना नहीं, तो फिर कोई क्रांतिकारी कहेगा कि कोई पॉलिटिक्स हो गया, तो इसीलिए मैं उसके जाऊंगा नहीं। अभी आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपके भीतर लड़ने की जज्बा आज भी है, हिम्मत है और आप अपने लिए मरने की भी तैयारी कर सकते हैं इसके भीतर, लेकिन मरिएगा नहीं, ये लोग मरिएगा तो और खुश हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। हमने सोशल साइट पर देखा आत्महत्या करेंगे, हमने कहा दुर्भाग्य है क्या, आत्महत्या इन्हीं लोग के लिए पागल सब के लिए किया जाएगा, ऐसा थोड़े इन लोगों को मजबूर कर दीजिए आत्महत्या कर होने पर। सोचने पर भी बस कर दीजिए, जिंदगी को बदलने पर भी बस कर दीजिए, यार दुनिया क्या नहीं करता, एक सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, एक व्यक्ति दुनिया बदल देता है, 50,000 हैं आप लोग जिद ठान लीजिए, इस सरकार के नाना को नौकरी देना पड़ेगा, शुक्रिया।